हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सरकार फ्रेंड जी, यू आर वाचिंग बबली ब्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आप लोग की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट, और ब्लॉग स्टार्ट करते ही मैं आपको ये बता दूँ कि आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर नहीं है, बिकॉज़ क्योंकि मेरा आई डोंट नो नॉइस से आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा, बट मुझे रात से बहुत ज़्यादा फ्लू, छींकें और बस इस तरीके का ना कुछ सिस्टम चल रहा है। ठीक है, बातें सारी मैंने आप लोगों को अपना पटारा खोल के दिखा दिया कि जनाब मामला कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं। तो यार जहर सी बात है, आप लोगों से मैंने सारी बातें शेयर करनी होती है ना। जहर सी बात है, आप मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं और आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो आप लोगों को बताना तो भी मेरा फ़र्ज़ है ना। एंड सेकेंडली मैं आज बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, सामने क्या पड़ा है वो पालक और चिकन बना रही हूँ। ठीक है, और जाहिर सी बात है, अभी बताना तो आप लोगों को है ना, रोज़ की रूटीन है, डेली रूटीन है, आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं घर में हूँ या घर से बाहर हूँ और आप मेरे साथ साथ हैं, तो और आप लोग सुनाइए, सब खैरियत से है। और कराची का मौसम भी कुछ कुछ बेहतर हुआ है और बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब कि रातें ठंडी हो गई हैं और आज तो सुबह भी काफ़ी ठंड थी, कल भी काफ़ी ठंड थी। तो ये है कि बच्चों ने स्कूल्स में स्वेटर्स पहनना शुरू कर दी हैं। ठीक है, और बाइक पे बहुत ठंड लगती है, सुबह सुबह जाओ तो ये वाला ना सीन चल रहा है। तो बाकी आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग सब ठीक ठाक हैं, और बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अब मज़ीद मैं और बीमार ना हूँ, क्योंकि अगर मैं बीमार हो गई ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है इस घर को संभालना। जो मेरी बहनें इस टाइम ये सुन रही हैं ना, जो हाउस वाइफ हैं, वो ये समझ सकती हैं कि अगर घर की एक जो मेन करेक्टर है फीमेल, ठीक है, अगर वो बीमार हो जाए तो फिर घर हो जाता है पूरा का पूरा उल्टा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी होता है, और ना अम्मी मेरी मुझे कहती हैं कि भाई तू बीमार ना हुआ कर, अगर तू बीमार हो जाएगी तो पूरा घर जो तेरे सर पे है वो कौन संभालेगा। तो ऐसे ही होता है, तो फिर आपको पता कुछ भी नहीं किया जाता। तो बस अपने आप को भी संभालने की कोशिश करें कि मज़ीद ना बीमार हों, क्योंकि जैसी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो सारी हमारे सर पर ही है घर की, तो ये वाली बात है। और बाकी चले मेरे साथ रहिए, जो जो है जैसा है आप लोग के साथ, खुला खुली किताब की तरह है। चले अपना बहुत ख्याल रखिए। और ये है हमारी पालक पदेश। और देखिए कितनी प्यारी पालक है, फ्रेश ज़बरदस्त वाली है ना। तो मैं इसको निकालती हूँ और फिर कट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ठीक है, और मैं ढूंढ रही हूँ छुरी, और नज़र मुझे कुछ नहीं आ रहा क्योंकि लाइटें बंद थी, अब लाइट मैंने जलाई है। और ये गुब्बारे वाला आ गया, चूं 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 करता हुआ, ऐसी बात है, उनका भी काम है, उन्होंने भी आने में ठीक है ना, हर कोई अपने काम में लग गया है। जैसी तो जनाब ये छुरी मेरी ली है, और मैंने क्या लेना था, ये ले लेते हैं छन्ना। ठीक है, और इसमें हम काटते हैं पालक, और किचन मेरा ऑलमोस्ट क्लीन। ठीक है, तो पालक काटती हूँ, पालक कितने गई, पालक खीरी। ठीक है, पालक काटती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ, सही है, मेरे साथ रहिए। तो फाइनली ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पालक धो के इसको छन्ने में डाल के स्टेन कर ली है। ठीक है, और अब इसको फटाफट से बनाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। रेजा रेजा किए उने सपने मेरे, आंधना ना 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 दिल के टुकड़े किए। और मैं खा रही हूँ ग्रेप्स, और इसको देखकर ना मुझे वो वाला सीन याद आ गया, वो जो अक्सर फिल्मों में नहीं खाते ऐसे करके, यूँ करके ऐसे खाते हैं, मुझे तो खा मैंने तो कभी खाए भी नहीं, ऐसे फ्राई करते हैं। एनीवे ग्रेप्स हैं कि रात को लेके आए थे, रात को मैंने नहीं खाए थे क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था, मुझे ठंड बड़ी सी लग रही थी ना, और फिर मैंने कहा चलो अभी खाती में भी ये खा के मैं ठीक हो जाऊँ। कभी होता है ना किसी चीज़ की हो रही हो कमी, कोई विटामिन की, कोई सी की, कोई ई की, कोई ए की, तो वो पर ठीक हो जाता है इंसान खाकर।
ये मेरी सोच है, बाप लोग की सोच पता नहीं कैसी है। तो अभी बन रहा है खाना और शू शू की आवाज़ आ रही है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और मुझे भी ज़ुकाम सही है, ज़ुकाम मुझे भी बता रहा है, अलर्ट कर रहा है कि भाई बीबी केयर करो। तो चले खा के मिलती हूँ आपसे, ये ठीक है मेरे साथ बने रहिए। तो चले जी, खाना हो गया है रेडी और अब हम चलते हैं ऊपर, ठीक है। आ जाओ कोको, ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या करना है और अभी क्या नहीं करना है। ऑलमोस्ट घर की सफाई वगैरह हुई भी है, सारा काम शाम नीट है। तो चले मेरे साथ रहिए। तो जनाब शाम के बज रहे हैं 5:30 और अब मैं मून को उठाती हूँ, क्योंकि मून स्कूल से आया था और इसने खाना खाया और ये सो रहा है, ठीक है। और अब 5:30 हो रहे हैं और मैं उसको उठाती हूँ, क्योंकि अब आ जाना है हबी ने और उसने जाना है इसको लेके ट्यूशन, ठीक है। और हम लोग ने जाना है एक काम से, अब देखते हैं वो काम से जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड तो आपको पता है ना हस्बैंड पे होता है। तो वो हम लोग ने जाना है, तो ये है कि अब इसको मैं उठाती हूँ, ठीक है, ताकि उनके आने से पहले ये रेडी शेडी हो जाए, सही है। और मैं भी रेडी शेडी हो चुकी हूँ, थोड़ी फ्रेश वगैरह हो गई हूँ और मैंने लिप बाम लगा लिया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो ये मैंने लगा लिया था और वैसे भी थोड़ी सी ड्राई एयर है ना चल रही, तो मुझे वैसे भी ड्राई स्किन है, तो मुझे लगाना ही पड़ता है ये सब सामान। एनीवे जो भी है, जैसे भी है, आपके साथ है और आपके सामने है और बस यही है सब कुछ। तो फ्रेंड्स, मून जा चुका है ट्यूशन, ठीक है, उसके बाबा आए हैं और उसको लेके चले गए हैं अभी अभी ट्यूशन। और ये थोड़ा बहुत जो चीज़ें बिखरी हैं, मैं इसको करती हूँ फटाफट से नीट और क्या कहते हैं, इस व्लॉग को करती हूँ यहाँ पर ही एंड, क्योंकि आज मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, मेरे ना बोलने से भी सर में दर्द हो रहा है। तो इसको मैं फटाफट से नीट कर देती हूँ, क्योंकि बेड अगर नीट हो तो पूरा कमरा ही नीट लगता है। ये तो ये देखिए जनाब, ये ऑलमोस्ट सारा बेड मैंने नीट कर लिया है, ठीक है। और ये वाली चद्दर आप पहचान गए होंगे कि मैं लेके आई थी, तो मैंने कहा इसको चलो बिछाते हैं, तो ये ऐसी बिछी हुई लग रही है, अच्छी लग रही है ना। चारपाई मैंने यहाँ पर रखी हुई है, उस कमरे में होती है, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर रख दी थी। मैंने कहा ये ना कोको का दिल चाहे तो कोको उसको खाना शुरू हो जाए लंच समझ के, उसका कुछ पता भी नहीं, वो समझती है कि कुछ जो आपको नीट नई चीज़ आती है ना, तो उसने स्पेशल उसे खाना होता है, ठीक है। तो मैं फटाफट से चद्दर तय करती हूँ और बेड नीट करती हूँ, इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ। तो ज़िंदगी में तो आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, और दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।